और राजयोग में कैसे हम सूक्ष्म से सूक्ष्म को पकड़ते हैं, बहुत ही इजीली आपने इस बात को रखा। हम पीछे भी चर्चा कर रहे थे जिसमें आपने कहा था ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इसको गीता में भी मेंशन किया हुआ है, बताया हुआ है। कई लोग समझते हैं कि तीन रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल एक ही तरफ है, मतलब एक पर ही हम पहुंचेंगे, तो क्या ये तीनों रास्ते अलग हैं, एक है? तीन नहीं है, चार रास्ते, उसमें एक संन्यास योग भी है। ये सब पर्सनालिटी है बेसिकली, बहुत सारी पर्सनालिटी है, बहुत सारे व्यक्तित्व है, किसी को संसार में रस ही नहीं है। वो कहता है यहाँ कितना भी रहो आपका मन संतुष्ट नहीं हो सकता, तो आपको ऐसे स्थान पर चले जाना चाहिए जहाँ कोई दूसरा नहीं हो, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, निसर्ग है, जैसे हिमालय में जाना। तो वो संन्यास प्रवृत्ति के लोग है, उनका कल है सब कुछ छोड़ने की तरफ है। दूसरे लोग हैं वो कहते हैं इस दुनिया में रहते हुए आप अच्छे कर्म करते जाओ, क्योंकि दुनिया से भागना एक पलायनवाद है, ऐसा वो मानते हैं। तो दुनिया में रहते हुए दूसरों की मदद करो, जो भूखे को खाना खिलाओ, जिनको कपड़े नहीं उनको कपड़े दो, या ज्ञान सिखाओ, ये अच्छा है। पर इसमें भी क्या होता है, धीरे धीरे आपकी ब्लेसिंग्स, आपको दुआएं मिलने लगते हैं क्योंकि आप दूसरों के दुख दूर कर रहे हैं, तो वो कर्मों में विश्वास करते हैं। तीसरे प्रकार के लोग हैं जिनको ज्ञान योगी कहा गया है, तो उनको ज्ञान अच्छा लगता है कि आत्मा यथार्थ रूप में है क्या, उसकी शक्तियां क्या है, उसके गुण क्या है, वो कैसे आती है कैसे जाते है, उसका रूप क्या है, उसका पिता के साथ कनेक्शन क्या है, अगर शरीर का मात पिता है तो आत्मा का भी मात पिता है या नहीं, आत्मा है या नहीं, परमात्मा है या नहीं। तो ये लोग बुद्धिवादी लोग है, तो इनके लिए ज्ञान योग है। ऐसे भावना वाले लोग हैं, कहते हम नहीं करेंगे, सब कुछ करने वाला परमात्मा ही है, वही हमारा सब कुछ करेगा, तो वो उसके प्यार में खोए रहते हैं। ये चार पर्सनालिटी थी है और हमेशा रहेगी। आप इसको शुरुआत करो, आपकी जो पर्सनालिटी है उससे शुरुआत करो। राजयोग में ये चार ही योग समाये हुए हैं। अच्छा। राजयोग में ये चारों योग समाये हुए हैं। जिस व्यक्ति को डिटैच रहना या अकेले रहना पसंद है वो एकांत में रह के राजयोग का अभ्यास कर सकता है। और आजकल जैसे पहले के जमाने में लोग जंगल में जाते थे, आप वो नहीं कर सकते क्योंकि जंगल ही नहीं बचे हैं, ठीक है ना। तो आपको घर में ही या ऐसा स्थान ढूंढना पड़ेगा जहां पर आप एकांत में, और एक बार आपको ये आदत हो गई तो भीड़ में रहते हुए भी आप एकांत में चले जा सकते हैं। तो राजयोग में संन्यास योग समाया हुआ इसलिए है क्योंकि भले आपने दुनिया नहीं छोड़े लेकिन बुद्धि से आपने दुनिया को छोड़ दिया है, इसमें रस नहीं है। अगर पुरानी दुनिया है जहाँ पे लोगों के अंदर इतनी शक्तियां नहीं रही है और ये दुनिया दुखदायक है ऐसा मेरे बुद्धि ने महसूस किया तो मेरी बुद्धि उधर जाएगी नहीं, तो राजयोग में संन्यास योग समाया हुआ है। जो लोग परमात्मा को प्यार करते, इमोशनल है, भावना प्रदान है, वो अगर दिल से परमात्मा को अर्पण करते हैं और प्यार से बातें करते हैं तो धीरे धीरे देखा कि उनके मन और बुद्धि परमात्मा में स्थित होने लगती है, तो वो भक्ति योग भी इसमें समाया हुआ है। कर्म योग इसलिए समाया हुआ है कि कर्म करते समय अगर हम ये कॉन्शियसनेस रखें, फिर आप खाना बना रहे, ऑफिस में काम कर रहे, कर्म करते समय अगर मैं इस चेतना से कर्म कर रहा हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ और परमात्मा मुझे कंटिन्यूस शक्ति दे रहा है, उसकी छत्र छाया में मैं हूँ और आप कर्म कर रहे हैं जी, तो ये कर्म योग भी हो जाता है। अच्छा। और ज्ञान योग है क्योंकि यहाँ पे जो परमात्मा ने ज्ञान हमको दिया है उसका मनन चिंतन हमारा चलता रहता है, तो ये ज्ञान योग भी है। तो राजयोग में ये चारों योग समाये हुए, तो ये चारों योगों को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो उसको भी हम राजयोग कह सकते हैं। पर ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि जब हम ज्ञान योग को पकड़ते हैं या ज्ञान मार्ग को पकड़ते हैं तो अहंकार आने का चांस ज्यादा रहता है और भक्ति योग के अंदर सरेंडर भाव बहुत रहता है। ठीक आपने कहा, इट इज क्वाइट पॉसिबल। जब हमको नया ज्ञान आता है तो ज्ञान का अभिमान आने के चांसेस होते हैं। एक्चुअली ये ज्ञान होता है परमात्मा का दिया हुआ, क्योंकि जो भी अच्छे कर्म आपके द्वारा हो रहे या अच्छी बातें आपके द्वारा निकल रही है तो ज्ञान योग करने वाले लोगों में ऐसे लगता है कि ये मैंने ही दिया है, होता परमात्मा का है, लेकिन उसमें मैपन आने के चांसेस होते हैं। और जहां मैपन आता है अहंकार वहां है, डेफिनेटली ये है, इट इज पॉसिबिलिटी। तो उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा दाता एक ही है, देने वाला है, और आपको वो यूज कर रहा है तो आप निमित्त है उस कार्य के लिए। तो ये किसमें होता है, जो ज्ञान में योग में मैच्योर कम है
क्योंकि जैसे आपकी मैच्योरिटी आती है, उसमें परिपक्वता आता है, तब आपको खुद को महसूस होता है कि आप नहीं कुछ कर रहे, कोई आपको यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो वो अहंकार चला जाता है। मेरा स्वयं का अनुभव मैं ये कहूंगा कि कई जगह पर स्पीच देने के लिए जाना होता है, लेकिन एक बार की याद मैं जरूर बताऊंगा। भारत में एक जगह पर हम गए थे, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे हमारे मेन स्पीकर बीमार हुए थे, तो मुझे कहा गया अभी आपको जाना है। तो उस समय स्पीच देते वक्त मैं इसलिए डर गया क्योंकि सब सीनियर डॉक्टर बैठे थे और उनके गले में स्टेथोस्कोप था और मुझे अंग्रेजी में बोलना था। उस समय इतना अंग्रेजी में फ्लुएंसी नहीं थी और वो सब्जेक्ट ऐसा था कि सब लोगों को पता था, तो ये दो बातों से मैं डर गया। लेकिन हमने देखा कि उस समय मैंने एक अभ्यास किया और मैंने परमात्मा को दिल से याद किया और बोला कि हे परमात्मा, हम जिसको शिव बाबा कहते हैं, शिव अर्थात कल्याणकारी, बाबा अर्थात पिता, की ये शरीर आपका, ये आत्मा आपकी है, सामने बैठे हुए भी बच्चे आपके हैं, सेवा आपकी है, करना आपको है। तो ये सोच के मैंने बोलना चालू किया। थोड़ी देर में मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि अच्छी तरह से बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ और अपने आप को मैं देख रहा हूँ कि मेरा मुंह हिल रहा है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे अपने आप को देख रहा हूँ, लेकिन ये अनुभव हो रहा था। और जब वो स्पीच हुआ, काफी लोग खुश हुए, अच्छी तरह से तालियां बजी, और जो हमारी बहन है वो हमारे पास आके बोली कि सचिन भाई, आज के जैसा लेक्चर थोड़ा अलग ही था, ये लेक्चर, ऐसा लेक्चर मैंने पहले कभी नहीं सुना। तो मैंने उनको भी साइड में लेके कहा, बहन जी मैंने भी नहीं सुना, मैंने भी पहली बार ही सुना। तो ये स्पष्ट अनुभव था कि कोई ऊर्जा आई और उसने यूज किया और वो चले गए, माना मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं थी। तो उस समय आपको पता चलता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी अच्छे काम हो रहे हैं वो कोई एक शक्ति आती है, आके अपना काम करके चली जाती है। आप इसको सरेंडर करो या जो भी कहो कि, पर वो एक स्टेज आती है ज्ञानी आत्माओं में। जैसे हम समझते थे हम साइंटिस्ट हैं, हम सब जानते हैं, हम अच्छी तरह से लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन उस समय मैंने रियलाइज किया कि मेरे अंदर ताकत नहीं है, कोई और करवा रहा है जी। तो ये अनुभव आज नहीं तो कल ज्ञानी तो आत्मा को भी आता है, जिनके द्वारा अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छे बोल निकलते हैं, तो ये महसूस होता है कि आप नहीं कर रहे। कॉन्ट्रास्ट टू दिस, जो भक्ति मार्ग वाले हैं, वो पहले से ही ये मान के चलते हैं कि मैं तो आपका सेवक हूँ, दास हूँ, जो भी हूँ, आप ही सब कुछ है, आप मेरे को चलाओ। इसलिए एक बच्चा जो अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उनके अंदर भावना रहती है, लेकिन अति भावना भी ठीक नहीं है। हमको एक्चुअली क्या चाहिए, भावना और विवेक का संतुलन चाहिए। अगर आप टू मच डिपेंडेंट होते हो तो भी ठीक नहीं, अगर आप टू मच ज्ञान में चलते हो तो भी ठीक नहीं, हमको एक बैलेंस चाहिए। जैसे इसके ऊपर एक कहानी सुनाते हैं ना, आपने बहुत बार सुनी होगी कि गांव में जब बाढ़ आती है, जो भावना वाला भक्त है वो क्या कहता है कि भगवान मेरे को बचाएगा। तो पहले लोग बोलते हैं कि चलो पानी भर रहा है, कुछ भी हो सकता है, वो कहता है नहीं, भगवान मुझे बचाएगा। दूसरी बार फिर पानी और बढ़ जाता है तो बोट से लोग आते हैं कि चलो, वो कहता है नहीं, भगवान मेरा मुझे बचाएगा। तीसरे बार जब और पानी बढ़ जाता है, वो छत के ऊपर जाके बैठता है, तो आर्मी वाले हेलीकॉप्टर से आते हैं उसको उठाने के लिए, चलो तुम अकेले ही बचो, बोलते नहीं, मेरा भगवान मुझे बचाएगा। और लास्ट में पानी और बढ़ जाता है और उसका शरीर छूट जाता है। जब वो भगवान के पास जाता है तो परमात्मा को पूछता है, मैंने तुम्हारी इतनी भक्ति की, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? पर परमात्मा कहता है, वो तीन लोगों को मैंने ही भेजा था तुमको बचाने के लिए, लेकिन तुमने उनकी मदद नहीं ली। तो इस तरह से भी ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए। परमात्मा के ऊपर विश्वास है तो परमात्मा मदद करेगा, ठीक है ना, लेकिन वो किसी के द्वारा करेगा ना। तो भावना में भी टू मच नहीं जाना चाहिए और टू मच ज्ञान में भी नहीं जाना चाहिए, मतलब टू मच रैशनल और लॉजिक। सो हमारी भावना ज्ञान युक्त तो होना चाहिए और स्नेह युक्त तो हमारा योग होना चाहिए, तब हम देखते हैं अच्छा रिजल्ट आता है। तो दोनों कोई गलत नहीं है, ज्ञान भी अच्छा है, भावना भी अच्छा है, लेकिन बैलेंस में चलना चाहिए।